हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि आप अपनी वीडियो में 3D मोशन इफेक्ट कैसे लगा सकते हो। दोस्तों आपको पता होगा 3D मोशन इफेक्ट, जैसे कोई वीडियो आगे बढ़ रही है, आपने टेक्स्ट लगाया है, वो उसके साथ साथ नीचे को बढ़ता जा रहा है। दोस्तों आप उसको सिंपली कैसे लगा सकते हो, दोस्तों आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, सो लेट्स बिगिन। सो दोस्तों लेट्स बिगिन। दोस्तों सबसे पहले आप अपना काइन मास्टर जो है उसको ओपन कर लीजिए। कोई भी आपका काइन मास्टर आप उसको ओपन कर लें, जैसे मैं यह काइन मास्टर ओपन कर रहा हूँ। दोस्तों काइन मास्टर को ओपन करने के बाद एम्प्टी प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों एम्प्टी प्रोजेक्ट में जाने के बाद मीडिया ब्राउजर का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर जो है फटाफट से क्लिक कर दीजिए। दोस्तों मीडिया ब्राउजर में जाने के बाद जो भी आपकी जो वीडियो है आप उसको यहाँ पर इम्पोर्ट कर दीजिए, और जैसे भी आपको स्प्लिट एंड ट्रिम करना है आप कर लीजिए। आपको ट्रिम वगैरह जो भी हिस्सा नहीं चाहिए उसको आधा काट दीजिए। दोस्तों मैं इसको सेट कर लेता हूँ अच्छी तरह से। दोस्तों ये आप देख सकते हो, मैंने इसको ट्रिम स्प्लिट कर लिया है। अब आपको जो है यहाँ पर जब आप इसको ट्रिम अच्छी तरह से कर लीजिए और जहाँ पर ये रुकता है तब आप इसको आपने एक टेक्स्ट भी लगाना है इस पर। आप अपने नाम का टेक्स्ट लगा सकते हो या फिर आप अपने चैनल का नेम लिख सकते हो। दोस्तों टेक्स्ट लिखने के लिए आपको जो एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, पिक्सेल ऐप की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप फटाफट से अपना ऐप ओपन कर लें जिसका नाम होगा पिक्सेल ऐप। तो फटाफट से आप अपना पिक्सेल ऐप जो है उसको ओपन कर लीजिए। दोस्तों पिक्सेल ऐप से ये होगा कि आपकी जो टेक्स्ट है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो मैं अपना पिक्सेल ऐप जो है उसको ओपन कर लेता हूँ। पिक्सेल ऐप की दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे पिक्सेल ऐप को ओपन करने के बाद आपको न्यू टेक्स्ट उसको डिलीट करना पड़ेगा, फिर आप अपना नया टेक्स्ट जो है वो ले पाएंगे। दोस्तों ये पिक्सेल ऐप बहुत ही अच्छा ऐप है, स्पॉन्सर कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट का, आप टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के लिए यहाँ पर आपको एक अल्फ़ाबेट होगा ए, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। और एक ए के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद न्यू टेक्स्ट पर आपको पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और अपना नाम या फिर अपने चैनल का नाम जो है आप लिख दो। और फिर आप मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। जैसे मैं अपने चैनल का नाम रख रहा हूँ क्रेजी हिट, अब मैं अपने चैनल का नाम रख रहा हूँ क्रेजी हिट, ये मेरे चैनल का नाम है। इसको लेकर सीधा कर दिया है मैंने। अब आप इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हो, आपको आगे को स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर एक आपको मिलेगा साइज़ वाला, तो आप साइज़ के ऑप्शन पर क्लिक कर दे, टी बड़ी, दो टी मिलेंगी आपको ये वाली, तो आप इसका साइज़ बड़ा छोटा कर दे जितना भी आप करना चाहते हो। दोस्तों ये साइज़ जो है वो आप अपना जितना 69 पर रख दे, क्योंकि उसके साइज़ 69 भी बहुत ही अच्छा है साइज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आपको क्या करना है, इसका फॉन्ट चूज़ कर सकते हो, जैसे कि ए बी के ऑप्शन पर क्लिक करके। तो आपको फॉन्ट देना है शॉर्टकट वाला, ये है शॉर्टकट का फॉन्ट, ये सबसे अच्छा फॉन्ट है 3D मोशन इफेक्ट देने के लिए। दोस्तों अब आपको क्या करना है, इसका कलर चूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको पहले रेकमेंड करूँगा पहले आप काला कलर चूज़ करें, फिर आपको पता लग जाएगा कि बाद में आपको बताता हूँ मैं क्या आपसे गलती भी होगी जो आप करेंगे, मैं आपको बता दूँगा आपको कौन सी गलती करोगे। तो आप करोगे तो ब्लैक कलर करोगे, तो मुझे पता है ना आप गलती कर रहे हो एक, तो ब्लैक कलर पहले मैं करके बताता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ आप कौन सी गलती करोगे। दोस्तों ब्लैक कलर करने के बाद मुझे पता है, फिर आप शेडोज की जो ऑन कर दीजिए, शेडोज की जो है ब्लैक कलर रख दीजिए शेडो का, और फिर 3D रोटेट के ऑप्शन पर आप फटाफट से क्लिक कर दीजिए। 3D रोटेट के जो नीचे वाला है उसको मत छूइए, क्योंकि अगर नीचे वाले को आप पकड़ोगे तो आपका फॉन्ट जो है वो गलत बनेगा। फिर आपको क्रॉस के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले जो है आप ऊपर वाले को ही देखें, मतलब कि यहाँ पर एक्सिस लिखा है उसको आप रख दीजिए, जैसे कि साइज़ बहुत है यार 70-73 या फिर 70 रख दीजिए, तो फिर ऐसे हो सकता है। दोस्तों अब आपने क्या करना है, इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है, पर ट्रांसपेरेंट अभी मत कीजिए, अभी हमको और चीज़ें करनी है, जैसे कि इसकी इनर शेडो हो गई है। दोस्तों पर ये 3D रोटेट हम और कर लीजिए, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप 64 पर रख दें, ठीक है
64 पर रख दे, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है, 63 या 67, पर सबसे अच्छा साइज़ है 60 का, क्योंकि 60 पर रखोगे तो 3D मोशन इफेक्ट है, बहुत ही अच्छा जाएगा। तो इसको ओके कर दें, और फिर इसके बाद जो है आपने क्या करना है, बस ये हो गया। अब आप इसको सेव कर लें अपनी सीधा गैलरी में, सेव टू गैलरी। अब आप अपना फटाफट से अपना काइन मास्टर जो है उसको ओपन कर लीजिए। दोस्तों आप जो गलती करोगे मैं वो भी बता दूंगा। काइन मास्टर फटाफट से आप ओपन कर लीजिए, और फिर आप लेयर में जाए, और फिर मीडिया में। मीडिया में जाने के बाद पिक्सल लैब में जाए, जो आपने नया अपना ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट किया है। अब आप गलती करोगे ये वाली, ये देखिए, ये करोगे आप गलती, ये ब्लैक है यार, ये गलती आपने करनी थी। तो अब आपको क्या करना है, फिर से पिक्सल ऐप को ओपन करना है। पिक्सल ऐप को ओपन करने के बाद इसका कलर जो है आपने वाइट देना है, वाइट। यहाँ पर फॉन्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इसका कलर दे देना है वाइट, प्योर वाइट। दोस्तों ये हमारा कलर जो है वो फॉन्ट का कलर जो है वो वाइट हो चुका है। अब आपका फॉन्ट है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, मैं आपको ये बताता हूँ। तो ये हो गया है, तो बस शेडो वगैरह जो भी हमने करना था वो कर दिया है। अब ये बहुत ही अच्छा लगेगा हमारा 3D मोशन इफेक्ट वाला। तो फटाफट से आप इसको सेव कर लीजिए, और अपना काइन मास्टर जो है वो फिर से ओपन कर लीजिए। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद लेयर में जाएँ, फिर से लेयर में जाने के बाद मीडिया में, मीडिया में जाने के बाद पिक्सल लैब में आपको जो है इसका फोटो मिल जाएगा क्रेजी हिट वाला, जो भी आपका चलकर नाम होगा, जो लिखा होगा वो ट्रांसपेरेंट में आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा हो चुका है दोस्तों। अब आप किसको इस पर एनिमेशन भी देनी है, आप इस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों आपको ऐसा भी करना, जब ये आगे बढ़ेगा तो ऐसा भी, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करिए अपने फॉन्ट के ऊपर, और फिर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एनिमेशन का, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। ये की बनी होगी एनिमेशन की। अब आपको है थोड़ा थोड़ा आगे, जब जब भी हमारा जो है ड्रोन जो है कैमरा आगे बढ़ रहा है, तब आपको एनिमेशन का पॉइंट रखना है, और थोड़ा पीछे को करी जाना है इसको। पीछे को अगर करोगे तो आपका बहुत ही अच्छा फॉन्ट लगेगा, 3D मोशन इफेक्ट। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पॉइंट रखते जाइए, और फिर इसको थोड़ा थोड़ा पीछे करी जाइए, और जब ये एकदम आगे आ जाएगा तो आप अपने फॉन्ट को छुपा दीजिए। जब आपका फॉन्ट ख़त्म होगा तब आप अपने फॉन्ट को जब वो छुपा देना है ये, और फिर आखिर में एक डॉट रख देना है, ठीक है। अब आप इसको प्ले करके देख लीजिए कि आपका फॉन्ट जो है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है अपना 3D मोशन इफेक्ट में। ये आप दोस्तों देख सकते हो, ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। दोस्तों आपने वो गलती करनी थी, मैंने आपको बताया कि इसका कलर वाइट कर दें, क्योंकि अगर आप ब्लैक रहने देते तो लोगों को लगता है यार ये तो मुझे लगता ही नहीं है बनेगा ये। तो दोस्तों ये आप ऐसे कर सकते हो, बाकी किसी को आप ट्रिम स्प्लिट करके जो है वो ठीक से ठाक कर सकते हो। दोस्तों अगर साउंड इफेक्ट लाना है तो साउंड इफेक्ट ला सकते हो, अपने चैनल का इंट्रो भी एक बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इसमें ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना। दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकन को जब आप दबाएंगे उसका फायदा ये होगा कि जब भी मैं अपने फ्यूचर में नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी नई वीडियो आ चुकी है, आप उसको देख सकते हो। दोस्तों होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। दोस्तों एक लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोज़ को बनाने में। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर लाइक शेयर लाइक शेयर जरूर करना जरूर करना। दोस्तों अगला ट्यूटोरियल होगा मेरे आउट्रो पर, मैंने एक नया आउट्रो बनाया एक घंटे की मेहनत पर, वैसे भी 2 घंटे लगते हैं पर मैंने फटाफट से किया है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ़ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब नाउ एंड बाय बाय यार दोस्तों, बाय बाय आप सभी के, और पीस आउट।